बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात इंतखाबी ज़ाबता अखलाक की। शेख रोहेल असगर की कॉर्नर मीटिंग में असलहे की नुमाइश। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक हबीब अवान के चार मुहाफिजों पर थाना मनावा में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने दो मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर मुजाहिद शेख से। मुजाहिद बताएगा ये वाकया कब का है? जी बिल्कुल, दो रोज पहले एक हल्का 128 पर शेख रोहेल असगर की कॉर्नर मीटिंग थी। वहां पर असले की नुमाइश जो है वो सरेआम की गई थी, जिसकी पर महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है कि असला की नुमाइश किसी सूरत नहीं की जाएगी और ना ही हवाई फायरिंग करने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन इसके बरक्स जो है शेख रोहेल असगर की कॉर्नर मीटिंग पर असला की नुमाइश की गई, जिस पर मनावा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जो मलिक हबीब अवान साबिक MPA और मौजूदा उम्मीदवार हैं 128 की PP के, तो उनके खिलाफ जो उनके गनमैन थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। चार मुलजमान में से दो मुलजमान को गिरफ्तार करके उनसे असला भी बरामद कर लिया है और जो दो बाकी मुलजमान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। जी बाकी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। बहुत शुक्रिया आपका मुजाहिद शेख, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।